आयोजन अंगे माहिती आपता प्रतिपालना चेरिटेबल ट्रस्टना नितिनभाई कुमठ अने विश्व हिंदू महासंघना नवीनभाई कुमठे जणाव्युं हतुं के शहर अने नागरिकोना जानमालनी सुरक्षा अने प्रजाने सुविधाओ आपवा माटे विविध विभागो कार्यरत छे, जेम के फायर ब्रिगेड, पोलीस, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, वीज कंपनी वगैरे। त्यारे खास करीने फायर ब्रिगेडनी वात करीए तो आग के कोई मोटी होनारत समये सामान्य माणस ज्यारे दूर भागे छे त्यारे फायर ब्रिगेडना जवानो आग तरफ दौड़े छे, एटले के आग बुझावा माटे जाय छे। त्यारे घणी वखत फायर ब्रिगेडना जवानो दाझी जाय छे, गंभीर रीते घायल थाय छे। आ जवानो जाननी परवाह कर्या विना पोतानी फरज निष्ठापूर्वक बजावे छे, तो घणी वखत वीजळीना थांभला पर काम करता के ट्रांसफर किट फिट करती वखते वीज करंट लागवाथी वीज कंपनीना कर्मचारीओ पण दाझी જતા હોય છે। ત્યારે આવા સમાજના સાચા હીરોનું સન્માન કરવાનું આયોજન પ્રતિપાલના ચેરિટેબલ ટ્રસ્ટ અને વિશ્વ હિન્દુ મહાસભા દ્વારા કરવામાં આવ્યું હતું। સાહસીઓ શીર્ષક હેઠળ યોજાયેલા કાર્યક્રમમાં ફરજ બજાવતી વખતે થયેલી ઇજાઓના કારણે શરીરના અંગો ગુમાવનાર વિવિધ વિભાગોના 28 જેટલા કર્મચારીઓ અને તેમના પરિવારોનું સન્માન કરવામાં આવ્યું હતું, સાથે જ તેમને આર્થિક સહાય તરીકે રોકડ રકમ પણ આપવામાં આવતી હતી। ઇન્દોર સ્ટેડિયમ ખાતે સાંજે 6 વાગ્યાથી આયોજિત કાર્યક્રમમાં ગુજરાતના સુપ્રસિદ્ધ ગાયક કીર્તિદાન ગઢવી ઉપસ્થિત રહ્યા હતા અને પોતાના ગીતો પર રંગ જમાવ્યો હતો। આયોજક નવીન કુમઠે એવું પણ કહ્યું હતું કે સમાજ સેવાની દિશામાં સંસ્થાનું આ પહેલું આટલું મોટું કાર્ય હતું અને ભવિષ્યમાં આ પ્રકારના કાર્યક્રમો થકી સામાજિક ઉત્કર્ષ માટેના સિલસિલો જારી રાખવામાં અમે પ્રતિબદ્ધ છીએ। નવીન રોશનલાલ કુમઠ, आज का कार्यक्रम एक नाम साथियों के नाम है, आज की रात साथियों के नाम है। हम उन साथियों के सारे साथियों का सम्मान करने जा रहे हैं जो वाकई में सम्मान के लायक है। किस तरह के हम उन लोगों का आज सम्मान स्टेज पे बुला करके उनको सम्मान देना चाहेंगे कि उनका जो उन्होंने काम किए हैं। अब फॉर एग्जांपल एक बात बताऊँ, फायर फाइटर है, उन्होंने उनकी जान में खेल करके उनका शरीर को बंद कर दिया, डिसेबल हो चुके हैं। आज एटलीस्ट हमारे लोग उन्होंने ऐसा किया है तो उनका एक सम्मान के काबिल होना चाहिए। हम उनको स्टेज पे सम्मान देंगे और कुछ फंड राशि देंगे। ये कार्यक्रम करने का विचार कैसे आया? बेसिकली क्या हुआ, ये कार्यक्रम करने का रीज़न एक ही था कि हम समाज में देख रहे थे काफ़ी लोगों को बहुत प्रॉब्लम आ रही है और हमने ये देखा आज दिन तक हम हमेशा सम्मान देखा जाए जो साहसी बोलते हैं, हम हमेशा सम्मान एक तो बॉर्डर पर लड़ते हैं हमारे मिलिट्री भाई बंद उनका हम करते हैं और एक हम हमेशा पुलिसकर्मी का करते हैं। लेकिन ऐसा मुझे लगा कि ये एक ऐसा प्रोग्राम है, ये करना चाहिए, ये लोग भी सम्मान के बहुत काबिल है। क्योंकि लास्ट आप देखो कि कितनी बार इतनी गैस घुंघरामंड से आज ड्रेनेज में उतर करके काम करते करते उनकी डेथ हो गई। आज हमारे में से कोई चाहेगा वो काम करना नहीं चाहता है तो वो एटलीस्ट हिम्मत करके काम करते हैं तो एटलीस्ट उनका सम्मान देना चाहिए। यहाँ से एक सोच उत्पन्न हुई और धीरे धीरे फिर हम जैसे जैसे डिपार्टमेंट्स में जाते रहे तब हमें मालूम पड़ा कि हमें खुद को जब मालूम पड़ा कि ये तो बहुत वाकई में बहुत अलग चीज़ है तो समाज में सबको बताना चाहिए। ये उद्देश्य आज 28 लोगों का सम्मान किया जाएगा। हमारे गेस्ट के अंदर में मेयर श्री हेमाली बेन है, फिर हमारे गेस्ट में संगीता पाटिल मैडम है, फिर गेस्ट के अंदर में अपने शालिनी मैडम है और इवन हमारे गेस्ट के अंदर में आज विश्व हिंदू महासंघ के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री योगी राजकुमार नाथ जी है, आज विश्व हिंदू महासंघ के सचिव योगी संजय नाथ जी है। तो दिल्ली से भी हमको ऐसा वो आए हैं इस सम्मान इस प्रोग्राम को सम्मिलित करने के लिए। हमने क्राइटेरिया ऐसा रखा कि सपोज़ करके किसी व्यक्ति की डेथ हो जाती है और उनके घर के अंदर में फैमिली मेंबर में कोई है नहीं, बड़े बुजुर्ग ही है, माता पिता है, अब उनकी एज भी है और कमाने वाला कोई नहीं है, एक तो वो कैटेगरी हमने रखी। दूसरी कैटेगरी हमने वो देखी कि सपोज़ करके उनके हाथ जल गए हैं, जैसे दोनों हाथ कट चुके हैं, अब उनकी इनकम सोर्स नहीं रही है इतना और घर में बर्डन बहुत ज़्यादा है, तो उन लोगों को हमने सम्मान के लिए रखा।